दोस्तों यूट्यूब में ये सर्च कीजिएगा नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसका बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जब भी मेरा वीडियो देखते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे हम साइनम इन्वर्टर के रिपेयर कैसे करते हैं इस बारे में, और ये नई पीसीबी है जो कि कंट्रोल कार्ड और ड्राइवर कार्ड इस बोर्ड में है साइनम की। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर कौन से प्रॉब्लम होते हैं इसमें और ज़्यादातर कौन से सामान खराब होते हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं आपसे बता देना चाहता हूँ एक या दो वीडियो मैं रोज अपलोड करता हूँ उन विषय पर जो कि न्यूनतम टेक्नोलॉजी आधारित होता है। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम फ्रेंड देख रहे हैं आप ये एक्साइड की पीसीबी है नई वाली। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें प्रॉब्लम था कि ये इन्वर्टर वर्किंग कर रही थी लेकिन इसकी आउटपुट नहीं दे रहा था और मेंस देने पर बीप कर रहा था आवाज़। तो दोस्तों हम लोगों ने पहले क्या किया इसमें इसकी जो रिले है रिले को मैंने चेक किया, रिले ख़राब या सही, और उसके बाद उसके जो रिले का ट्रांसिस्टर जो है जो उसको ड्राइव करती है वो ट्रांसिस्टर को हम लोग चेक किए तो पता चला कि ट्रांसिस्टर सही है और रिले ख़राब है। तो मैंने दोनों रिले बदली कर दी जो देख रहे हैं आप, इसमें नई रिले दो लगाई हुए हैं। उसके बाद जब नए लगाएं तो ये वर्किंग करने लग गई। तो दोस्तों रिले जो है यही वाली और इसे सीख सामने में ये यहाँ पे दो ट्रांसिस्टर लगे हुए हैं तो मैंने बदली कर दी तो ये वर्किंग करना चालू कर दिया। दोस्तों इसमें सिंपली चेक करना है और ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी है और ये इसमें ओवरलोड और चार्जिंग की आईसी है और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो चेंज ओवर की ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों ये साइनम है और इसकी जो पीसीबी है ये हॉरिजॉन्टल में बनाया गया है, मतलब फिक्स एक ही में है, कंट्रोल कार्ड और ड्राइवर कार्ड एक ही में लगा गया है। तो दोस्तों जो भी है इसको अब चेक करना है तो पहले ट्रांजिस्टर को एसएमडी किसे चेक करते हैं इसको समझना पड़ेगा, समझने के बाद में आप इसको बना सकते हैं और इसकी जो भी है ड्राइवर आईसी और मॉसफेट वगैरह सब रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो कंट्रोल कार्ड में अगर माइक्रो प्रोसेसर ख़राब हो जाएगी तो ये पीसीबी बन नहीं पाएगा और इसमें दो जो रिले थे ये ख़राब थे जो कि मैंने बदली कर दिया। तो रिले चेक करने का तरीका आप लोगों को मालूम है, इसकी कोयल चेक करना है और कुछ कोयल में 12 वोल्ट दे के आप चेक कर सकते हैं नॉर्मल से, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली कनेक्टेड में ये आपका वर्किंग करेगा तो दिखाएगा ये। दोस्तों ट्रांजिस्टर चेक करेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं ये एसएमडी ट्रांजिस्टर है जो कि इस साइड में जो होता है वो बेस होता है, उसके बाद कलेक्टर, उसके बाद इमीटर, इसी तरह चेक करना है जिस तरह हम लोग बड़ी ट्रांजिस्टर चेक करते हैं उसी तरह एसएमडी ट्रांजिस्टर चेक करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये जो देख रहे हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं इसकी बेस कौन सी है, कलेक्टर कौन सी है और इमीटर कैसी है। तो इस हिसाब से एक साइड से बताएगा एक साइड से नहीं बताएगा तो समझिए कि ये ट्रांजिस्टर ओके है, तो इस हिसाब से आपको चेक करना है दोस्तों। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग बहुत पसंद आएगा, अगर मैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों में, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भी दोस्तों। जय हिंद जय भारत।